बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। और मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले कहूँगी कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिरयानी, कराची बिरयानी। मुख्तलिफ तरीक़ों से बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैंने आपसे पहले भी दो तीन बार रेसिपी शेयर की हुई है बिरयानी की। आज मैं घर में बना रही थी, मैंने सोचा कि मैं आपसे अपनी ये वीडियो भी बनाऊं और आपसे शेयर करूं कि कैसे बना रही हूं मैं। तो उसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन। चिकन में बना रही हूं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो चिकन, 1 किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है। 1 किलो चिकन लिया है मैंने। और ये हैं वेजिटेबल्स, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 3 आलू धो के रखे हुए हैं मैंने, 3 आलू, 4 टमाटर लिए हैं मैंने, 7-8 सब्ज़ मिर्चें, 2 लेमन, 1 पूरा बंच इसमें सब्ज़ धनिया और 1 बंच पुदीने का। ये वेजिटेबल्स और ये लिए मैंने तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको ऐसे काट लिया मैंने। और 1/2 किलो इसमें दही जाएगा। और 1 किलो मैंने लिए हैं ये राइस, 1 किलो राइस, ये कच्ची बासमती राइस हैं, पुराने कर्नल चावल जो होते हैं वो। और मिर्च मसाले जो हैं वो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और चलें फिर स्टार्ट करते हैं बिरयानी। दही ले लिया मैंने, इसमें डाल देंगे अब मसाले, देखते जाएं आप क्या क्या डाल रही हूँ मैं। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 2 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 2, 1 चम्मच भर के, फुल भर के धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा जब मैं इसका एक तड़का बनाऊंगी उसमें डाल देंगे, नमक हस्ब ज़ायका, एक चाय का चम्मच फूल भर के, और हल्दी तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच। इसको करेंगे मिक्स। ये प्याज चली जाएगी इसमें, फिर थोड़ा सा ब्राउन प्याज भी डालूंगी मैं इसमें। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ब्राउन प्याज, और इसमें हम डाल देंगे चिकन को। थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे हम इसको ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट के लिए। सब्ज़ धनिया भी साथ ही डाल देंगे, सब्ज़ धनिया और पुदीना थोड़ा सा लेयरिंग के लिए बचाकर, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है सारा जो लेयरिंग में ही हम यूज़ करेंगे। बस इसको मैं अब तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। ये देखें पूरा चिकन मैंने इसमें डाल दिया,
थोड़ा थोड़ा करके, और उसको हाथों से मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि इसमें अच्छे से सारा इसका मसाला जो है वो लग जाए अच्छा सा। और अब मैं इसको ढककर तकरीबन आधा घंटा तो दूंगी, वैसे अगर आप ओवरनाइट रख दें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आधा घंटा इसको फ्रिज में रख दूंगी। बिरयानी के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कप ऑयल, इसको गर्म होने रख दिया। और ये हैं 4-5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2-3 बादियान के फूल, 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें, थोड़ा सा ज़ीरा, ज़ीरा मैंने उसमें चिकन में डाला हुआ इसलिए, 1 दालचीनी का टुकड़ा ये डाल दूंगी इसमें। इसको थोड़ा सा हम कड़करा लेंगे ताकि इसमें खुशबू आए। जैसे ही इसमें खुशबू आई मैंने इसमें डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 खाने के चम्मच। इसको थोड़ा सा भून लेंगे फिर इसमें डाल देंगे चिकन। अदरक लहसुन ब्राउन हो गया था इसमें मैंने तेज़पात डाल दिया, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये मैरिनेटेड चिकन आहिस्ता आहिस्ता करके। और बस हम इसको कवर करके पका लेंगे, चिकन अच्छा सा गल जाए और मसाला गल, चिकन अच्छा सा गल जाए और मसाला भून। चिकन हमारा पक रहा है, ये अब गलना भी शुरू हो गया है, ये देखें ये प्याज खड़ा खड़ा अच्छा लगेगा बहुत। अब मैं इसमें डालूंगी ये टमाटर, 4 टमाटर लिए थे ना मैंने, 3 डाल दिए, 1 मैंने जो लेयरिंग के लिए रख लिया, 3 टमाटर और 3 सब्ज़ी काट के डाल दी। और ये हैं 5 साबुत लेते हैं, बस अब मैं इसको थोड़ी देर इतना पकाऊंगी कि ये भुन जाए और टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। 4 चावलों का पानी मैंने बॉईल होने के रख दिया है, चावलों का पानी, उसमें मैंने डाल दिया है 1 बादियान का फूल, 2-4 लौंगें और 2-4 लौंगें और 1-2 दालचीनी का टुकड़ा, बस ये डाल के मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही वो बॉईल होंगे मैं उनको स्ट्रेनर में छान लूँगी। और ये हैं आलू, ये मैंने बॉईल कर लिए, इनको मैंने कलर डालकर और नमक डालकर मैंने इनको बॉईल कर लिया है। जब ये चिकन रेडी हो जाएगा, मसाला भून जाएगा, तब मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि आलू गले हुए हैं। बस ये पक रहा है, जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। पतीले में मैंने चावल बॉईल किए थे, उसी में मैंने ये अब मैं स्टेनर से छान लिए, इसमें मैं डाल दूंगी ये ऑयल और
ये बॉइल्ड राइस। इसमें डाल दिए थे मैंने। एक लेयर हो गई। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये सारा कोरमा जो चिकन और आलू का बनाया है हमने। सारा डाल दूंगी इसमें मैं चम्मच से, इसको थोड़ा सा फैला दूंगी। अच्छे से साफ कर लेती हूँ। अब इसमें लगाएंगे हम ये टमाटर। और लेमन, लेमन मैंने हाफ हाफ काट लिए हैं, गोल स्लाइस में नहीं काटे, हाफ हाफ स्लाइस काट के हाफ हाफ कर लिया। बड़े अच्छे लगेंगे ये। सब्ज़ धनिया पुदीना, इसको मैंने धो के मिक्स करके रखा हुआ है। बिरयानी जब बनाते थे, मेरी अम्मी बनाती थी बिरयानी, तो मैं सारी चीज़ें तैयार कर देती थी, फिर लास्ट में लेयर मेरी अम्मी लगाती थी। मैं कहती थी अम्मी आप लगाएं, बहुत अच्छी लेयर लगानी आती थी। ये मैंने ब्राउन प्याज डाल दी और अब इसमें हम लास्ट में ये डाल देंगे बाकी राइस। माशाल्लाह 1 किलो राइस बहुत अच्छे फूल गए हैं, बहुत अच्छा इनका मतलब बहुत काफ़ी सारे हो गए हैं। और इसको हम थोड़ा सा ब्राउन प्याज लास्ट में और सब्ज़ धनिया पुदीना। अब डाल देंगे हम इसमें फूड कलर। फूड कलर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, येलो येलो कलर है, ऑरेंज कलर जो होता है ना वो अच्छा लगता है। चले खैर कोई बात नहीं, बस अब इसे मैं दम लगा दूँगी। ये मैंने रुमाल का दम लगा दिया था, माशाल्लाह कितना अच्छा दम आ गया है। खिले हुए हैं राइस और ये देखें, माशाल्लाह बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस मैं अब इसे अच्छी तरह सारा चम्मच चला के इसको सर्व कर देंगे। बिरयानी हमारी रेडी है, अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। मैंने खीरा और प्याज की सलाद और सादा दही के साथ मैं इसको सर्व करूंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बिरयानी रेडी है, कराची बिरयानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। और दुआ में मुझे याद रखें। ये मैंने प्याज खीरा और इसकी सलाद और सादा दही के साथ इसको सर्व कर दिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये सर्विंग भी पसंद आएगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।